हाय डियर फ्रेंड, एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ, चैप्टर नंबर साइंस का चैप्टर नंबर 9 हम देख रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम देखने वाले हैं, जिसका पहला ये पार्ट वन वीडियो है। ठीक है, पार्ट वन पार्ट टू में ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, पार्ट वन हो सकता है, शायद दो वीडियो हो सकते हैं, तीन वीडियो हो सकते हैं ये चैप्टर के। ठीक है, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट भी हो सकते हैं, तो आप इसके साथ लगे रहिए कि ताकि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर नंबर 9 है, जो फिजिक्स का ये पार्ट है, तो आपको ईजिली अच्छे से समझ में आ जाए, इस करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। और अगर कोई डाउट होता है, कोई कन्फ्यूजन होता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब भी हमें समय मिलेगा, हम कमेंट को देख के और उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो देखिए, इस चैप्टर में हम मेन टॉपिक क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मेन पॉइंट क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला मेन टॉपिक्स क्या है, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। क्या है फोर्स एंड इट्स इफेक्ट के बारे में हम देखेंगे कि उसकी क्या फोर्स पहले क्या होता है, ये पहले मैं बताऊंगा आपको फोर्स क्या होता है और उसकी क्या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, फिर बाद में बैलेंस फोर्स क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट क्या मैं बताने वाला हूँ, बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स के बारे में हम देखेंगे, बैलेंस फोर्स। उसके बाद से अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, वो भी आपको समझ आए। फिर बाद में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, वो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। फिर इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया क्या होती है, और लास्ट में हम देखेंगे मोमेंटम क्या होता है। तो पार्ट वन में इतने मेन टॉपिक हैं जो हम पढ़ने वाले, कवर करने वाले हैं, और एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छे से समझा के आपको पढ़ाऊंगा कि ताकि इसके रिलेटेड आपके फंडा क्लियर हो जाए। और आप अगर अच्छे से ये वीडियो को देखते हैं, ठीक है, एक बार अगर देखिए, नोट्स बनाइए, आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके लिखिए कि सर ये बात पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, इसको कैसे समझेंगे, प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए, ये ऑनलाइन के तरीके से देखने से क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन है, तो वन वे कम्युनिकेशंस में आपके जो डाउट होते हैं वो कमेंट करके करेंगे, फिर बाद में ही क्लियर हो सकता है। लेकिन जो लाइव क्लासेस होता है, या तो वहाँ पे मतलब जब हम एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे जो भी बच्चे होते हैं उनके जो डाउट होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फोर्स देख लेते हैं कि फोर्स है क्या। ठीक है, फोर्स है क्या, तो फोर्स क्या होता है, सिंपल से एक सिंपल वन वर्ड में वन लाइन डेफिनेशंस बताया है कि अ पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अ पुश और पुल ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एज फोर्स, मतलब एक पुश करना या पुल करना कोई एक बॉडी पर, तो उसी को बोला जाता है फोर्स। बट एक सटीक अगर मैं डेफिनेशंस बताऊं, तो देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, एफ एफ इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है मास मास इंटू एक्सेलरेशन, और मास का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन है। तो एक और डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज फोर्स। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं। एंड एक और डेफिनेशन है जो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ और आपने इसको सुन करके और इस डेफिनेशन को लिख लेना है कि एन एजेंट विच प्रोड्यूस टेंस टू प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रॉय टेंस टू डिस्ट्रॉय ऑफ ए बॉडी इन मोशन इज कॉल्ड एज अ फोर्स। ठीक है, ये भी एक डेफिनेशन है। ठीक है, तो सिंपल तरीके से आप इसके डेफिनेशंस लिख लेते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशंस लिखना ही मेन इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन के बाद हमें और भी इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है। तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, आपने पूरा लिख लेना है, एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन होता है। अब देखिए, मास का क्या होता है, केजी होता है,
एक्सेलरेशन का मैंने पहले भी बताया था कि इसके मोशन वाले चैप्टर में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए इसका यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। मास का आपका यूनिट पता है कि क्या होता है, केजी होता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका एक यूनिट ये भी एमकेएस में लिख सकते हैं कि केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये आपने लिख लेना है, क्योंकि स्क्रीन का जो भी लिखा हुआ है वो मैं मतलब हटा देता हूँ, तो आपने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ वो आपने नोटबुक पर लिख लेना है। जैसे आपका डेफिनेशन कंप्लीट होता है तो एफ इक्वल टू एम मास इंटू एक्सेलरेशन लिखना है, फिर उसके नीचे उसका यूनिट, इट्स यूनिट क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर उसका एसआई यूनिट जो होता है, आगे लिखा भी है कि उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। उसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट सिंबल से किससे करते हैं, एफ से करते हैं, ठीक है। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मेकिंग इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। क्या है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक इतने सारे पॉइंट नहीं, और भी कैरेक्टरिस्टिक है, उसका नेचर कैसा होता है। तो देखिए फोर्स का जो नेचर होता है वो क्या हो सकता है, पुल टाइप का हो सकता है या पुश टाइप का होता है। पुल करना मतलब खींचना, खींचना मतलब टेंसाइल, ठीक है। टेंसाइल नेचर का हो सकता है या कंप्रेसिव नेचर का, मतलब पुश करना, पुश करना मतलब दबाना, और दबाने से क्या होता है, कंप्रेसिव नेचर होता है। और क्या हो सकता है, उसके मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, न्यूटन हो सकता है, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन। फिर आ जाता है डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। अब डायरेक्शन उसको, अगर फोर्स के लिए हमें डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन की इंपॉर्टेंट है। तो किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, किस डायरेक्शन में, सपोज डैट कि अगर ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस पे मैंने बोला फोर्स लग रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में, तो नॉर्थ डायरेक्शन में कर सकते हैं, साउथ डायरेक्शन में लग रहा है, या ईस्ट डायरेक्शन में लग रहा है, या वेस्ट में लग रहा है, या सपोज डैट मान लो मैंने ये बोल दिया कि ये बॉडी थी और ये किस तरफ गई, पहले यहाँ पे थी ओ पे, अभी एक्स पे आ गई, तो ओ एक्स डायरेक्शन में रोक सकते हैं, अलोंग ओ एक्स डायरेक्शन बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, फोर्स के क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक थे। अब इफेक्ट क्या है, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हैं, तो फोर्स के इफेक्ट देखिए, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, मतलब ये क्या होता है, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए बॉडी, मतलब कोई भी बॉडी अगर उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। मान लो कि कोई बॉडी बहुत तेज़ी से आ रही थी, उसको रोक दिया, ठीक है, तो ये फोर्स का इफेक्ट है। इट कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, ये उसके फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर सकता है, एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, बॉडी के जो मोशन के लॉ है उसको भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इट कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, फोर्स के कारण हम बॉडी का शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो ये उसके इफेक्ट हैं, फोर्स के इफेक्ट हैं। अब उसके बाद से सेकंड पॉइंट मैंने बताया था कि बैलेंस फोर्स क्या होते हैं, बैलेंस एंड अनबैलेंस क्या होते हैं। तो बैलेंस और अनबैलेंस को भी हम थोड़ा देख लेते हैं कि बैलेंस फोर्स किसको बोलते हैं। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है कि जिसका रिजल्टेंट क्या आता हो, जीरो आता हो। जैसे कि अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लगे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग फोर्स एक पॉइंट पर लगा रहे हैं, बट उसका कोई भी रिएक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन कुछ भी नहीं आ रहा है, जो बॉडी है वो इसी को इसी उसी पोजीशन पे है, तो कहेंगे क्या, इसका फोर्स क्या है, बैलेंस है। मतलब इसका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो वही चीज़ पॉइंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज, द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्सेज इज इक्वल टू जीरो, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्सेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन अ टग ऑफ वार गेम, in the tug of war game, when the force applied by both teams is equal in the magnitude, then the rope does not move in either side. This is due to the balance forces, in which resultant of applied forces come out to be zero. क्या होता है, जीरो आ जाता है। एक इधर जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ये भी फोर्स आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली जीरो आ जाएगा। उसका रिजल्टेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको इसमें आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए कि ताकि आपका इससे रिलेटेड जो फंडा है वो आपका क्लियर हो पाए, ओके। तो आगे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बैलेंस का, कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो देख लेते हैं।
पहला क्या है, बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट का स्टेट जो है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस, उसका स्टेट चेंज नहीं करता है, ये ध्यान रखना। बैलेंस फोर्स डू नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्टेट नहीं चेंज कर सकता है, ठीक है। बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, ये भी ध्यान रखने का कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होते हैं और इक्वल होते हैं। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं उसके शेप एंड साइज चेंज हो सकती है लेकिन स्टेट नहीं हो सकता। पहला अगर पॉइंट देखें तो उसका स्टेट नहीं चेंज होता, ऐसा नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड से गैस बन जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल व्हेन वी प्रेस अ बैलून फ्रॉम अपोजिट साइड द साइज एंड शेप ऑफ बलून इज चेंज, क्या होगा, क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं बट बॉडी क्या हो रही है, पुश कर रहे हैं दोनों तरफ से, क्या होगा, कम होते जाएगा, आप पुल करेंगे तो बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर अनबैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर जीरो से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, दो फोर्सेस आर कॉल्ड अनबैलेंस, ठीक है। टू मूव एन ऑब्जेक्ट अनबैलेंस फोर्स आर टू बी अप्लाइड फॉर फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इट केज ऑफ अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स, जो सबसे ज़्यादा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उस डायरेक्शन में बॉडी मूव करेगी, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा, कुछ वैल्यू मोर देन जीरो आएगा। अब अनबैलेंस फोर्स कैन चेंज द स्पीड एंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जो भी बॉडी है उसका स्पीड चेंज कर देंगे, पोजीशन चेंज हो जाएगा, चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट अनबैलेंस के हैं, ठीक है। सम कॉमन फोर्सेस, सम कॉमन फोर्सेस अगर देखें तो मॉलिकुलर फोर्सेस अभी देख लीजिए, देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है। मॉलिकुलर फोर्सेस क्या होता है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी मसल्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर, सॉरी मॉलिकुलर नहीं मस्कुलर फोर्स है, ठीक है। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ह्यूमन बॉडी मसल्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, द अट्रैक्शन फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ ऑन ऑब्जेक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। जिसके कारण हम क्या जमीन पर टिके रहते हैं, कहीं ऊपर अगर ऊपर से अगर नीचे कूदते हैं तो ऐसा नहीं है कि ऊपर ही रह जाते हैं, नीचे आ जाते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। फिर बाद में आ जाता है फ्रिक्शनल फोर्स, क्या आ जाता है, फ्रिक्शनल फोर्स, द फोर्स विच अपोज द फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाइल बींग कॉन्टैक्ट विद द अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए फ्रिक्शनल फोर्स। फिर एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के बारे में भी देख लेते हैं। फोर्स विच इज एग्जर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट विथ फ्लाइंग इन एयर इज नेम्ड एज एयर रेजिस्टेंस, इट एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब जिस डायरेक्शन में वो वेलोसिटी है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका रेजिस्टेंस होगा, एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ही कि अगर अलग अलग वेट के, डिफरेंट डिफरेंट वेट के अगर कोई पत्थर को छोड़ा जाता है तो जो इसका सबसे ज़्यादा वेट होता है वो जल्दी आता है, जिसका कम वेट होता है वो थोड़ा लेट आता है, ये एयर रेजिस्टेंस की ही वजह से होता है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो, कोई भी किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स ना हो, तो कोई भी किसी भी वेट का अगर दोनों एक सेम हाइट से अगर दोनों को छोड़ा जाए तो सेम टाइम में ही वो रीच करेंगे अर्थ को, ये पॉइंट हमेशा माइंड में ध्यान में रख लेना है। आगे हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। वहाँ पे हमने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन, यहाँ पे हम देख रहे हैं लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लॉ ऑफ फोर्सेस बोले एंड लॉ ऑफ मोशन देखने वाले हैं। तो देयर आर थ्री लॉ ऑफ फोर्सेस, लॉ ऑफ मोशन दो इज फॉर्म बाय न्यूटन, दे आर एक्सप्लेन बिलो, मतलब उसके नीचे हमने एक्सप्लेन किया है, वो तीन फॉर्म में है। तो पहला क्या है वो देख लेते हैं और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी देखते जाएंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्सिया भी बोलते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन बोले चाहे लॉ ऑफ इनर्सिया बोले चाहे फर्स्ट लॉ ऑफ फोर्स बोले, ये सारे हैं, ठीक है। अब इसका क्या स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ये दिए थे कि एनी ऑब्जेक्ट विल रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म फोर्स and laws of motion along a straight line until it is compelled to change the state by applying external force। इसका कहने का मतलब है कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी,
अगर गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताता है। एनर्सिया डेफिनेशन, अगर एनर्सिया की बात करें तो एनर्सिया इज ए प्रॉपर्टी एंड टेंडेंसी ऑफ एवरी ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इट मेजर बाई मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट मेजर बाई मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द हैवियर द ऑब्जेक्ट द ग्रेटर विल बी इट्स इनर्शिया। जिसकी सबसे ज़्यादा वेट है मतलब हैवी है उसी का सबसे ज़्यादा इनर्शिया है, ठीक है। मतलब जड़त्व बोला जाता है, जड़त्व का नियम बोल सकते हैं, गति का नियम बोल सकते हैं, या बल का पहला नियम बोल सकते हैं। अब देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके काम लायक हैं और इससे रिलेटेड रीजन पूछते हैं, इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में रीजन पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्या है, व्हेन ए स्ट्रेट मूविंग, यहाँ पे बी आ गया है, मूविंग बस सडनली स्टॉप डाउन, अचानक से रुक जाता है, द पैसेंजर सीटिंग इनसाइड फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज द बॉडी ऑफ पैसेंजर इनिशियली मूविंग इन स्ट्रेट लाइन टेंडेंस टू मूव द सेम वे इवन आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड मेकिंग द पैसेंजर फॉल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। कि सपोज डेट आप बस चलती हुई बस में आप बैठे हैं, अचानक से बस रुक जाती है तो हमारा बॉडी ऊपर का बॉडी क्या पोर्शन होता है आगे की तरफ बढ़ने लग जाता है, आगे की तरफ गिरने लग जाता है। तो इसका रीज़न क्या है कि जब बस मतलब हमारा बॉडी क्या था, बस में रेस्ट कंडीशन पे था, मोशन में था, बस के साथ मोशन में था, अचानक से ब्रेक लगी तो बॉडी का जो नीचे वाला पोर्शन है वो तो उसके साथ है लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वो वहीं पर रुकना ही चाहता है, मतलब आगे की तरफ वो उस मोशन में ही जाना चाहता है। तो मोशन में जाता है तो इसके कारण हम आगे की तरफ गिरने लग जाते हैं, ये ध्यान रखने। व्हेन वी हीट ए कारपेट इट लॉसेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मूव्स बट द डस्ट इन इट रिटेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इज लेफ्ट बिहाइंड देन डस्ट एंड कारपेट आर सेपरेट। एक ये भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, व्हेन वी हीट ए कारपेट मतलब कारपेट को हीट करते हैं, इट लॉसेस इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड मूव्स बट डस्ट इन इट रिमेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इज लेफ्ट बिहाइंड दस डस्ट आर कारपेट आर सेपरेटेड, ठीक है। कारपेट से जो डस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एक और देख लेते हैं कि व्हेन अ ट्री इज शेकन मतलब उसको हिलाते हैं ट्री को, इट मूव्स टू एंड फ्रो बट फ्रूट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट ड्यू टू दिस फ्रूट ब्रेक्स ऑफ द ट्री और वो नीचे गिर जाता है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन। आगे देख लेते हैं मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम आपको पता रहेगा तभी आप सेकंड लॉ ऑफ मोशंस को आप समझ सकते हैं। तो मोमेंटम क्या होता है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ मोमेंटम। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, मास इंटू वेलोसिटी, और मास का क्या होता है के जी, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड होगा, मतलब इसका यूनिट हम बना सकते हैं के जी इंटू मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, वही चीज़ जो मैंने बोला के जी इंटू मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। चेंज इन मोमेंटम, अगर मोमेंटम को चेंज करने की बात किया जाए तो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल मोमेंट एंड इनिशियल मोमेंट। फाइनल मोमेंट और इनिशियल मोमेंट के डिफरेंस को ही बोला जाता है चेंज इन मोमेंट। Let u be the initial momentum of a body and v its final momentum, then change in momentum mv minus mu, mv minus mu. Rate of change of momentum क्या होता है, rate of change of momentum ही क्या होता है, force होता है। The rate at which the momentum of an object is changing is known as a rate of changing of momentum. तो क्या होता है, m जो rate of change किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। वही चीज़ मैंने लिखा है चेंज इन मोमेंटम एम बी माइनस एम यू अपन टाइम लिख दिया है, ठीक है, जिसमें से एम कॉमन कर लिया तो बी माइनस यू अपन टी हो गया। ये आपको मिल गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और यही क्या होता है, यही फोर्स होता है। देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, अ स्मॉल बुलेट कैन सेपरेट इनटू द बॉडी ऑफ ए मैन एंड किल हिम
when fired from a gun because it has a large momentum due to its great velocity. A small bullet can penetrate into the body of a man and kill him. When fired from a gun because it has a large momentum due to its great velocity. A person gets severely injured when hit by a fast moving vehicle, which is due to the momentum of vehicle due to large mass and high velocity. इसके कारण ऐसा होता है. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं. स्टेट एंड डिफाइन ऑफ एसआई यूनिट ऑफ फोर्स. व्हेन बैलेंस फोर्स एक्ट ऑन ए स्टेशनरी बॉडी देन बॉडी इज डिफॉर्म्ड. ट्रू या फॉल्स ये बताना है. व्हाई पीपल सिटिंग इन अ बस फॉल बैकवर्ड व्हेन बस सडनली स्टार्ट ये भी रीजन लिख सकते हैं. व्हाई ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के रिलेटेड लिख सकते हैं. व्हाई लीव्स फॉल व्हेन वी आर शेकिंग ब्रांच ऑफ ट्री ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के ही है. What will be the momentum of stone having mass 10 kg and it's thrown with velocity 2 meter? तो momentum अभी आपको मैंने बताया कि m into v होता है. momentum क्या होता है. जो momentum है वो क्या होता है. m into v है और m की वैल्यू कितना दिया 10 kg और velocity दिया 2. तो momentum क्या आ गया 20 kg इंटू मीटर पर सेकेंड. ये आप लिख सकते हैं. ये आ गया इसका आंसर. इस तरीके से करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा. अभी नेक्स्ट हम देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट टू के वीडियो देखेंगे जिसमें आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन आ जाएगा और भी कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट आएंगे जो हम ये देख रहे हैं कि चैप्टर नंबर ये 9 है. और चैप्टर नंबर 9 में हमने जो मेन इम्पोर्टेंट थे वो सारे मोमेंटम हमने बता दिए. मोमेंटम तक ये पार्ट वन था. अब पार्ट टू में हम देखेंगे कि उसके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में भी हम देखेंगे. तो आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए. कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट करिए. कोई अगर प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करिए कि ताकि इससे रिलेटेड आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें, आपको समझ आ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा आपके माइंड मतलब डेवलप हो सकें. क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छे से तरीके से समझेंगे उतने अच्छे से आपको समझ में आएगा. जितना आप इसमें से क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं, जितना आपकी इसमें से माइंड में क्रिएटिव पॉइंट आ सकते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ताकि उसके भी हम उसे रिलेटेड आपको उसकी रिप्लाई दे सकें. सो वीडियो देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.